बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जहाँ भी हूँ खुश रहो। आज इस नई वीडियो में मैं हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से जो न्यू नोटिफिकेशन 26 जुलाई को हुआ था रिगार्डिंग ऑस्पी और ऑस्की हवाले से, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको मालूमात देना चाहता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आपके जो भी क्वेरी हो आप मुझे अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आता हूँ ऑस्की और ऑस्पी के हवाले से। 26 जुलाई को हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से जो नोटिफिकेशन हुआ था उसमें तमाम कॉलेजेस को खबरदार किया था। उसको नोटिफिकेशंस के ज़रिए उसको कॉल की थी, मीटिंग की कि किस तरीके से आपने और हमने स्टूडेंट से ऑस्की और ऑस्पी लेनी है। व्हाट इज़ ऑस्की, व्हाट इज़ ऑस्पी? ऑस्की मींस ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। वन पॉइंट, व्हाट इज़ ऑस्पी? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरीके से आपसे वो टेस्ट लेंगे? ऑस्की में आपसे वो लैब के हवाले से, लैब में ये आपसे वो स्टेशन बने होंगे और उसमें वो आपसे वाइवा लेंगे। जिस तरह आपकी प्रैक्टिकल्स होते थे 9, 10, 11, 12 में बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री की, इसी तरह आप ये होंगे। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लैब में, इसके लैब में आपके जो स्किल्स होते हैं FON में, एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रो में, तो उसी लिहाज से आपको उसी की प्री क्लिनिकल क्वेश्चंस जो आपसे पूछते हैं जब वो आपको स्किल्स करवाते हैं, तो बाज़ इंस्टीट्यूट तो वो ऑस्की करते थे लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ने ये चीज़ बंद की हुई है, इसलिए कि उनको पता है कि 70 MCQs है, 30 हमारे पास मार्क्स है, तो इससे हम अगर स्टूडेंट को 28, 27 ये दे दें तो ये अच्छी होगी मार्क्स उनके लिए। लेकिन अब KMU ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमारे साथ 90+ इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हैं, उसमें एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट्स दोनों रजिस्टर हैं। तो अब उन्होंने इस तरह किया है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लिहाजा हमने सिर्फ डिग्रियाँ दूसरे प्रोफेशंस की तरह नहीं देनी है, क्योंकि ये स्किल से रिलेटेड डिग्री है, नर्सिंग, DPT, डेंटेंसरी, MLT, ये चीज़ें जो हैं ये स्किल से रिलेटेड है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आप फिर हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकोगे। लिहाजा है पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये फैसला बहुत अच्छा है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब 2022 से अनवर्ड ये लेंगे, 2022 से अनवर्ड जब ये लोग आपसे 2022 से अनवर्ड जब ये लोग आपसे ये वाइवा लेते हैं, तो इसमें जब आप अफेयर होंगी, इसकी क्राइटेरिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो पहले होता था आपकी 70 मार्क्स का जो पेपर होता था, MCQs बेस्ड पेपर होता था, तो वो अब भी होगा जो KMU की जानिब से होगा। 30 मार्क्स जो आपके इंटरनल थे उसमें जो आपकी टीचर्स होती थी या टीचर होता था जो आपको एनाटॉमी या माइक्रोबायोलॉजी उनके पास ही 30 मार्क्स होते थे, तो वो फिर वो KMU को भेज देते थे कि इस बंदे के इतनी मार्क्स हमारे साथ बनती है। अब इस नई पॉलिसी के तहत 70 MCQs के पेपर और 30 इंटरनल मार्क्स के बाद KMU की जो पॉलिसी नई आई है, इसमें जो ऑस्पी और ऑस्की से रिलेटेड उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि 30 मार्क्स उन्होंने इंटरनल वाइवा के लिए रखे हुए हैं और 70 मार्क्स उन्होंने अपने लिए रखे हुए हैं कि वो
खुद आके केम्यूज की जानिब से कोई भी टीचर एग्जामिनर आएगा, वो स्टूडेंट्स के एवेलुएशन करेगा, उससे पूछेगा, इसी के तहत वो उसकी जो उसके पास एक प्रॉपर परमा होगा उसमें वो टिक निशान आपको करेगा, जब वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसी के तहत आपको वो मार्क्स दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपकी 70 की जो प्रैक्टिकल वाइवा है जो आज की है, अगर इसमें कोई बंदा फेल हो गया तो उसकी वो पेपर वो फेल तस्वूर होंगी। अगर आपने ये तो टोटल 200 मार्क्स होंगे पर सब्जेक्ट के, क्योंकि फोर वाइवास होंगे, फोर ऑस्किस होगी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड FON फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि वो इन चीज़ों पर काम करें, अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से करें। इसमें इतनी मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आपकी पहली टाइम है, तो आपने ज़रूर इस वीडियो को देखना है और मैं आगे चंद वीडियोस भी बना रहा हूँ कि किस तरीके से ASCII और ASPE की जो स्टेशन होंगे वो किस तरह होंगे, आपको वो मार्क्स किस बेस पर देंगे, किस तरीके से आप 70 में 65 मार्क्स ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप बर वक्त देख सकें। थैंक यू सो मच।